घर तक जाना है इसलिए रिस्क तो लेनी है। लोग रिस्क लेकर अपने घरों पर पहुंच रहे हैं। भुज का नाका फेमस है, यहाँ पर कई लोग घूमने के लिए भी आते हैं, पर्यटक स्थल जैसा यहाँ पर महसूस करते हैं। यहाँ कई युवा साथी रहते हैं जो यहाँ रोड को बुजुर्गों को पार करवाने में उनकी मदद करते हैं। ये रोड रावलिया भुज रावलिया कला जैसे कई गांवों को जोड़ता है और लोग यहाँ पैदल ही आते जाते हैं। समस्या आपके सामने सीधी नजर आ रही है, देख ही लो, वो गरीब लोग समस्या इस टाइप की है कि लोग एक दूसरे का सहारा लेके आना पड़ रहा है। ये वर्तमान में पानी और कम है, इसका पानी कम से कम 4 फीट इसके ऊपर चढ़ता है। जब की किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सिग्नल या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। गए वर्ष जो बारिश आई उस समय भी मैंने ग्राम पंचायत की तरफ से या मलवा डलवा के एक बार रनिंग रोड कराया। PWD द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। मैं पिछले 2 सालों से 2.5 साल हुए हैं मेरे को सरपंच बने, मैं हर बार इस बात को कहता है और लिखित और ज्ञापन के साथ इनको सूचना करती है कि पुलिया की सख्त आवश्यकता, कोई लोग जनहानि न हो जाए। पर ध्यान नहीं देते। गए साल भी एक गाय मर गई और बहके गो माता उसका भी इस प्रकार, और लोग बह के चले जाते हैं, कोई फ्रैक्चर हो गया किसी प्रकार, कई प्रकार मोटरसाइकिलें गिर जाती है। इस टाइप के कई सूचना अपन ने पहले भी जनरल हाउस में भी बताई है, उसके बाद SDM साहब को भी बताई है, उसके बाद हमने PWD एक्शन साहब को भी बताई, ऐसी साहब तक इस बात की मैंने सूचना करा दी है लिखित। जब तक अभी तक उस प्रशासन कोई सूझ नहीं ले रहा और मुझे संतुष्ट प्रतिभाव दे रहा है कि काम हो जाएगा, करवा देंगे, चल रहा है। इसकी अब की बार मैं इस पुलिया के लिए भूख हड़ताल करूंगा अगर ये पुलिया अगर इस बारिश के बाद नहीं हुई तो। पृथ्वीराज मेरा नाम है और ये तालाब का जो पानी आता है नाके का, इसे लोग बह करके चले जाते हैं और गायें भी बह के जाती है, भैंसें बह के जाती है और लोग रुक जाते हैं, गाड़ियाँ छिटना से गिर जाती है, लोग मरते हैं। इसलिए पुलिया बननी तो बहुत अनिवार्य थी।